हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है जबकि उसकी साइड पता हो। तो क्वेश्चन एक दिया है यहाँ, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कहा है कि उस स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर पता कीजिए जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एरिया और पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया एक स्क्वायर, चलिए ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसमें आपको क्या दिया है, साइड, तो साइड कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, और आपको पता करना है इसका पेरीमीटर और फिर एरिया। ठीक है, तो चलिए पेरीमीटर और एरिया हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सॉरी, इन गिवन स्क्वायर, जो स्क्वायर आपको दिया है उसमें क्या दिए, साइड, साइड इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और हम पता करें पहले एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है साइड इनटू साइड, वैल्यूज रखो साइड इनटू साइड, साइड क्या है 10, तो 10 इनटू 10, 10 इनटू 10, और यहाँ सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा आंसर, एरिया निकल गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड, वैल्यूज रख दीजिए 4 ऐसे ही, फिर इंटू और साइड की वैल्यू विच इज 10 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 10 जा 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखें, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।